शिवाय। दोस्तों आज चर्चा करेंगे कि एक प्लॉट जो होता है, जब आप नया प्लॉट खरीदते हैं या कोई बिल्डिंग खरीदते हैं, तो एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, जैसे कि वहां पे कोई कॉट या एक्सटेंड है या नहीं है। अगर है तो किस जगह पे है। जैसे कि चार कोना जो होता है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये चारों कोना में कभी भी कोई भी कट नहीं होना चाहिए। अगर आपका घर का नॉर्थ ईस्ट में कोई कॉट है तो आपका दिमाग पे उसका इफेक्ट पड़ता है, आपका दिमाग पे उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज होता है, आपको सिजोफेनिया फोबिया का डिजीज होता है। अगर आपका साउथ ईस्ट कट गया है तो तीन चीज का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आपका घर में बार बार चोरी होता है, दूसरा चीज एक्सीडेंटल डेथ या रेगुलरली एक्सीडेंट ड्यू टू क्रैशेस ऑफ व्हीकल, वो भी होता है, और तीसरा कोई आपसे उधार लेता है तो वापस नहीं देता है, अगर आप उसको जबरदस्ती मांगते हैं तो आपका संबंध टूट जाता है। तीसरा होता है साउथ वेस्ट, वहां पे अगर कोई कॉट है तो डिले इन मैरिज और उसके साथ साथ परिवार के जो सदस्य है किसी के किसी का साथ अच्छा संबंध नहीं बनता है। चौथा जगह आते हैं नॉर्थ वेस्ट में, अगर कोई कॉट है तो वहां पे कॉट होने से गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, और जो गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट से अगर आप वो डील करते हैं तो उसमें लॉसेस होता है। उसके साथ साथ हमेशा बैंक में ज्यादा कर्जे या लोन बढ़ने से आपको परेशानी लगता रहता है। वैसा ही एक्सटेंड होता है, अगर साउथ ईस्ट में एक्सटेंड है, कोई कोई उसका उपाय मिरर लगा के कर देते हैं। हाँ जी, मिरर लगा के उसका उपाय हो सकता है, लेकिन अपने आप मत कीजिए, कोई भी वास्तु एक्सपर्ट का सहारा लीजिए जिससे आपको मिल सकता है बेहतरीन उसका जो इलाज, और जिसकी वजह से आप कर सकेंगे आपका जिंदगी को खुशहालीमय। नमस्कार, जय जगन्नाथ। Please like, share and subscribe to our channel, and your comments are valuable as well.